हेलो नमस्कार, क्यूरियस रेसिपीज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी बनाने वाले हैं। ये है स्टफ शिमला मिर्च। अगर आप शिमला मिर्च नहीं खाते हैं तो ये रेसिपी देखिए, इसके बाद आपको शिमला मिर्च बहुत पसंद आएगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे न्यू न्यू रेसिपीज आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टफ शिमला मिर्च बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 आलू लिए हैं, आप चाहे तो 2 ही आलू ले सकते हैं। अब हम इसे मैश करेंगे, अच्छे से इसे मैश कर लेना है। ये आलू के बाद में मुझे पराठे बनाने हैं जो मेरे बेटे को बहुत पसंद आते हैं, इसलिए मैंने 4 आलू लिए हैं। ये आलू अच्छे से मैश हो गया है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, साथ ही इसमें 100 ग्राम पनीर को छोटा छोटा कट करके लिया है वो डालना है। अब तड़का पैन में 1 बड़ा चम्मच तेल अच्छे से गरम करके लिया है, 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इस तड़के को आलू पनीर के मिक्सचर में डालना है, साथ ही स्वादानुसार नमक डाले। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम चलते हैं शिमला मिर्च की तरफ। तो यहाँ पे 5 छोटी छोटी शिमला मिर्च ली है, तो ध्यान रखे स्टफ शिमला मिर्च बनाने के लिए छोटा छोटा ही शिमला मिर्च ले, ज्यादा बड़ा ना ले। अब इसकी जो डंठल है उसे हमें इस तरह से कट करके निकालना है, और अंदर जितने भी बीजे हैं इसे भी अच्छे से निकाल लेना है। तो ये देखिए इस तरह से, तो ये देख सकते हैं आप, मैंने सारे शिमला मिर्च को अंदर से जो बीजे होती है सारे निकाल लिए हैं। अब हमने जो आलू का मसाला बनाया है वो इसमें स्टफ करेंगे। आप देख सकते हैं जैसे मैं स्टफ कर रही हूँ एकदम दबा दबा के, वैसे ही आपको स्टफ करना है। हो सके तो पनीर के पीसेस ज्यादा डाले। शिमला मिर्च को अच्छे से स्टफ कर लिया है। अब ये जो सारी शिमला मिर्च है इसे गैस पे ड्राई रोस्ट करना है। शिमला मिर्च को गैस पे रख दिया है और ये ड्राई रोस्ट हो रहे हैं अच्छे से, आप देख सकते हैं। ड्राई रोस्ट करने से ये हल्का सा स्मोकी फ्लेवर भी आता है जो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। अब एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डालना है। तेल गरम होने के बाद इसमें 1 चम्मच जीरा डालें। इसके बाद 3 हरी मिर्च को इस तरह से मैंने बीच में से कट कर लिया है वो भी डाल के 30 सेकेंड के लिए इसे पका ले। अब इसमें 2 बड़े साइज के बारीक कटे हुए प्याज डालना है। प्याज जल्दी से पक जाए इसलिए इसमें थोड़ा सा नमक डाले, अच्छे से मिक्स कर ले। मिक्स होने के बाद इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे ऐसे ही छोड़ दे, बीच बीच में इसे चलाते जाए। 5 मिनट के बाद देख सकते हो इसका कलर चेंज हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देना है। तब तक हम इसके लिए एक चटपटा सा मसाला बना लेते हैं। तो ये मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच दही लिया है। दही में 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना है, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना है, इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालना है और इसी में 1 चम्मच कसूरी मेथी डालनी है और इस मसाले को अच्छे से दही के साथ मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए ये मिक्स हो गया है। अब हम हमारे प्याज को देख लेते हैं। तो देखिए अदरक लहसुन का जो पेस्ट डाला था हल्का सा पक गया है। अब हम इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने के बाद भी इसे 30 सेकेंड के लिए लो फ्लेम पे पकाना है। गैस की फ्लेम को बंद करके इसे हल्का सा ठंडा कर ले और इसमें जो दही का मसाला बनाया था ना वो डालना है। ऐसा करने से दही फटेगा नहीं।
तो ये देखिए, ये मैंने दही का मसाला डाल दिया है। अब गैस की फ्लेम को ऑन कर दे और लो फ्लेम कर दे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसे ढक के 5 मिनट के लिए पकाना है, तो बीच बीच में इसे मिक्स कर लेना है जिससे कि ये नीचे जले ना। 5 मिनट हो गए हैं, आप देख सकते हैं जो ये मसाला है अच्छे से कढ़ाई छोड़ने लगा है, तेल भी अच्छा छूट रहा है। अब हम इसमें 1 कप गरम पानी डालेंगे, तो गरम पानी डालने से इसका कुकिंग प्रोसेस है वो मेंटेन रहता है और साथ ही सब्जी का जो तेल है और कलर वो बहुत अच्छा आता है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें शिमला मिर्च रोस्ट की थी ना, वो डालेंगे। तो ये देखिए, एक एक करके मैंने सारे शिमला मिर्च डाल दिए, साथ ही ग्रेवी को हम शिमला मिर्च के ऊपर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे ढक के 10 मिनट के लिए पकाना है। तो 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं शिमला मिर्च थोड़ी सी कच्ची लग रही है, लेकिन एक बात तो मैं इसमें भूल गई कि इसमें मैंने सिर्फ प्याज में नमक डाला था, लेकिन फिर भी मुझे इसमें थोड़ा सा नमक कम लग रहा है। 1/4 चम्मच नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच ऊपर से गरम मसाला डाले तो इसका और स्वाद बढ़ जाता है। अच्छे से मिला के फिर से 5 मिनट के लिए ढक के पकाएं। देखिए कितना प्यारा कलर भी आया है और ये शिमला मिर्च अच्छे से पक गई है। आप चाहे तो ग्रेवी में और थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने भी इसमें थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि मुझे इसकी ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी। अच्छे से मिक्स कर लिया है इसे, तो देख सकते हैं आप हमारी स्टफ शिमला मिर्च विद पनीर बनके तैयार है। ऊपर से इसमें हरा धनिया डाले, अच्छा ज्यादा हरा धनिया डालना है, इससे भी बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो ये देखिए, इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है शिमला मिर्च का। खाने में तो ये बहुत स्वादिष्ट है, ये मेरी गारंटी है। आप इसे बना के देखिए। तो ये सारी शिमला मिर्च मैंने निकाल दी। तो ये जो मसाला है इसे ऊपर से इस तरह से डाल लेना है। ऊपर से मैंने ये थोड़ा सा पनीर बचा के रखा था, उसे ग्रेट करके डाला है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो ये हमारी स्टफ शिमला मिर्च रेडी है। रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, ये रेसिपी इतनी स्वादिष्ट बनी है क्या बताऊँ मैं आपको। आप 2 रोटी की जगह 4 रोटी खा जाएंगे। मजाक कर रही हूँ, 2 ही रोटी खाएं, कम खाएं, स्वादिष्ट खाना खाएं। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।